इस्लामिक कंट्रियों पे तो लानत है, थूक रहे हैं, हम थूक रहे हैं उन पे। क्या लग रहा है मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो जाएगी, जो यहूदियों की प्लानिंग है? जिस दिन नबी के लोग जाग गए 72 ही काफी होंगे, पर जागे तो तब ना। जागे तो। ये इंटरव्यू विश्व के हर एक मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, इसको इतना आगे बढ़ाइए। अगर 2 दिन में पूरे विश्व की इस्लामिक कंट्रियों ने इस बात का, मेरी बात को सही दिल से नहीं लिया, तो मैं आपके ही चैनल के मामले में यहीं अपना सर पटक पटक के अपने उसी खून से पत्र लिख के पूरे इस्लामिक कंट्री भेजूंगा। अपने खून तक की कुर्बानी देने के लिए बाली होगी तैयार है? अपने शरीर का एक एक बूंद लगाने को तैयार है फिलिस्तीन के बच्चों के लिए, उन मौतों को देख करके। इजराइल को मैं बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ, वो युद्ध वापस कर ले, वो फिलिस्तीन खाली कर दे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूँ खलील फरहाद और आप देख रहे हैं इस्लामिक रिमाइंडर टीवी। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं एक और शानदार वीडियो। क्या है इस वीडियो में खास, आइए देखते हैं। पंडित जी, आपके आंख में आंसू क्यों हैं? जब मासूमों को मरते आप देखें तो आपको भी समझ में आएगा। हमास की तारीफ करता हूँ कि उसने आज 2 महिलाओं को छोड़ा जी, और बंदूकों को वो छोड़ रहा है। कोई आदमी दिल से बुरा नहीं होता। हमास का आज तक किसी भी देश से कोई भी आतंकवादी ऐसा मामला नहीं रहा जी। वो फिलिस्तीन का वासी है, फिलिस्तीन में उसे लड़ाई लड़ता है। मैं आज दुखी इस बात से हूँ कि अगर इजराइल को इतना ही डर है और वो अपनी आवाम की चिंता करता है, तो मैं इजराइल की आवाम से भी अनुरोध करता हूँ कि वो अपने प्रधानमंत्री से कहे ना कि वॉर रोक दे। वॉर रोके, अगर आप फिलिस्तीनियों को मारने में मज़ा आ रहा है तो आपके अपने मर रहे हैं तो आपको दुख क्यों हो रहा है जी? क्या एक भी यहूदी अस्पताल में गिरे हुए बम में जो बच्चे मारे गए उनका एक भी आंसू का दर्द वो महसूस कर सकते हैं? मैंने खुद की वीडियो देखी जी। आप वहाँ के लोगों को मार कर उनके लाशों में चढ़ के कूद रहे और वहाँ पॉपकॉर्न और बिरयानी की दावत कर रहे हो, ये इंसानियत है? अब कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्रियों पे तो लानत है, थूक रहे हैं उन पे। पंडित विजय शर्मा, इतना भावुक क्यों होते हैं आप? लगातार ये सोचिए कि जब 57 कंट्रियों का दिल नहीं पसीज रहा है, भारत का रहने वाला पंडित विजय शर्मा क्यों रो रहा है? बाल योगी महाराज कन्हैया कुमार मरने पे दुखी था, रोया है, बिलबिलाया है। नासिर जुनैद की हत्या हुई तो बिलबिलाया है, अंकिता भंडारी हो तब बिलबिलाया है, उन्नाव की बेटी हो तो एक एक बात, एक एक वीडियो। मेरा कोई चैनल नहीं है। वो तो आप फरार करने लग गए चैनल वाले, तो मैंने एक तो स्टार्ट कर दिया कि मैं अपनी जो कॉपी करूंगा वो डाल दूंगा, वो भी मैं डालता नहीं हूं। वो सब दर्द मेरे पास है। मैं एक संत हूं सर, और इसके लिए मैं शांति के लिए ही मैं ऐसे मांगता हूं। मैं अपने भगवान से भी शांति ही मांगता हूं लोगों के लिए, जिनको जो मैं रखा हूं इनके लिए भी। जब मैं सुबह उठता हूं तो कहता हूं पूरे संसार में शांति रखो, कोई किसी का झगड़ा ना हो, कोई किसी से लड़ाई ना हो। देखिए बाइबिल, गीता, कुरान, ये है हिंदुस्तान, और हमारी आवाज हमारे देश की सरकार सुनती है, लेकिन अपने ही लोगों की आवाज वहां की सरकारें क्यों नहीं सुन रही हैं? क्या पैसे खत्म हो गए हैं? मैं कह रहा हूं जितने भी लोग हो अपने मैयत में, मैयत जब मरोगे ना तो सारे पैसे ले जाना अपने मैयत में, अपने साथ ही ले जाना। किसको कह रहे हैं? सभी इस्लामिक कंट्रियों पे थूक के बोल रहे हैं हम। जो इसके लिए एक ना हो सके, इसकी उठा के आप कसम खाते हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो, लेकिन एक चीज है, इतनी जगह कुरान जलाई गई जी, लगता है जो दुनिया चाहती है कि कुरान जलना आम बात हो जाए, मुसलमान को फर्क होना बंद हो जाए, वो काम हो चुका है। क्योंकि अब इस्लाम के लिए, पहले तो इस्लाम के लिए आ जाते थे, कुरान के लिए खो जाते थे, अब तो उसके लिए भी एक नहीं हो रहा है। क़िबला अव्वल के लिए भी एक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत कौन करेगा पंडित जी? अल्लाह कर तो रहा है। क्या लग रहा है मस्जिद अक्सा जो है वो शहीद हो जाएगी, जो यहूदियों की प्लानिंग है? देखिए यहूदी इस उम्मत नहीं, ऐसे करोड़ों उम्मत लेके चले आए। जिस दिन नबी के लोग जाग गए
72 ही काफी होंगे, पर जागे तो तब ना, जागे तो 72 ही काफी है। भले ये पानी बंद कर दिए हो करबला, मैदान करबला की तरह, लेकिन आज एक चीज दर्द सच में बता दूं, कहना तो नहीं चाहिए पर आज कहना पड़ रहा है कि ऊपर वाले ऐसा हिजाब गिराओ इस्लामिक कंट्रियों पर, ऐसा हिजाब गिराओ कि इनको फिलिस्तीन के दर्द का एहसास हो जाए। मतलब ऊपर वाले से आप बद्दुआ कर रहे हैं उन लोगों के लिए? मैं आज तक कभी करता नहीं हूं सर, लेकिन जब मासूमों की लाशों पे भी अगर आपको कुछ नहीं बोलना है, आप देख रहे हैं कि जो चीखने चिल्लाने वाला पंडित था जिसकी एक आवाज से भारत सरकार हिल गई, वो आज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है, इससे आदमी क्या करे, आप बताइए। पंडित जी भावुक हैं लगातार, आप जो है और वीडियोस में भी बच्चों का दर्द सुनाकर जो है भावुक हो जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे तो अल्लाह का रूप होते हैं जी, जो मासूम बच्चों को ये नहीं पता कि फिलिस्तीनी इजराइल का मसला क्या है, उन्होंने अपनी जान खो दी। आपको बता दे, जब मैं वो बम गिरा और लाशें निकलने लग गई, मैं ऐसे करके ऐसे ही बैठ गया, मैं ऐसे ही बैठ गया था। और हमने सिर्फ एक ही बात कही थी कि ये बच्चे जो है जन्नती हो गए, इन्होंने भले दुनिया ना देखी हो लेकिन जो काम आदमी जो है कभी नहीं कर पाता है, ये बच्चे पैदा हुए 2-3 महीने जिंदा रहे और जन्नती हो गए अपने माँ का दूध पीकर, शहीद हो गए बच्चे जो है। अच्छा डॉक्टर ऐसे एक आदमी बैठ कैसे लाश लेके बैठा हुआ है, डॉक्टर पूछ रहा है हमासी गलती थी, बस पता ले गलती क्या थी जी। मैं सुन रहा हूँ, रो रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे पास व्यवस्था होती तो मैं सऊदी जाता, किसी एक कंट्री जाता और वहाँ के हुक्मरान से पूछता कि तुम मर गए हो, जिंदा हो कि मर गए हो, मैं पूछता। और ये इंटरव्यू विश्व के हर एक मुसलमान तक पहुंचना चाहिए, इसको इतना आगे बढ़ाइए कि ये हर एक शेख मौलाना जिनके पास पैसे हैं, आप बताइए जब यहाँ पठान रिलीज हुई थी याद है जी, मुसलमान कितना थिएटर में पैसा उड़ा रहा था, उड़ाया है जी, बिल्कुल उड़ाया है, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं नहीं बिल्कुल। जवान आई, हमने भी समर्थन किया, लेकिन क्या फायदा, आवाज सामने ऐसे लाशें हैं, खाने को रोटी नहीं है, पीने का पानी नहीं है, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है,